आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, हालांकि मौका देने के लायक क्या आप नहीं है, ये फिर फिर भी आगे। मैं मौका दे रहा हूं आपको। हाँ क्या करें यार, फिर वेरी भी एक गुड, मौका दे देता हूँ। इसके साथ तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसे क्या खतरे पे बात कर ले अगर कर सकता तो। हाँ वही, हुसैन साहब आप कौन सी हदीसों को मानते हैं? नहीं, जो मैंने देखो हदीस हाँ दिखाई थी सुना डॉट कॉम की, नहीं ना मानता, ठीक है, वैसे अगर मैं वो अरे यार दिखा एक दूं बात कहीं और से सुनो, तो मानेगा, हेलो ये बताए। हेलो, हम हुसैन स्टॉप भाई बोलने वाले पहले सुनकर। तो, हुसैन भाई, हुसैन भाई देखो, ढंग से बात करना है हम आपसे सुनो बात मेरी करने बात के सुनो, लिए, मेरी तो बात सुनो, मेरी बात अगर सुनो। तुम पहले के जैसा ही अरे नाटक हाँ किए तो फिर मैं निकाल दूंगा आपको। यही, और यही क्या करोगे, और क्या करोगे, शिकस्ते फास होगी निकालोगे। मैं कह रहा हूँ या तो साहिल बोलेगा या तो एडम, दोनों तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मेरी तरफ भी कोई अच्छा नहीं है, सिंगल हूँ मैं, सुना सिंगल डॉट हूँ। ठीक है कॉम चलो के एडम बात करो, अलावा, सुना डॉट मैं कॉम के सिंगल हूँ यार, अलावा, सुना डॉट निकी तरफ मैं हो जाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पहले बड़ों बड़ों की जरूरत नहीं, मैं सिंगल से ही हूँ। और हाँ अबे गेट द फक अप सुना साले, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो साहिल बात कर ले। यार, बदतमीजी बंद करो, गालियां देना बंद करो, तमीज से बात करो, जो सिंपल सवाल किया उसका जवाब दो। सुना डॉट कॉम के अलावा हम चले जाते हैं कहीं पे यही हदीस दिखाने के लिए, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? जी ये लो भगा दिया, जी फिर हुसैन, भगा दिया, फिर जी भगा दिया हुसैन मुझे। जी, एडम मैं चिकन बनाकर तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ, चेहरा खोल कर आना। खाओगे ओके। अभी जो मैंने सवाल किया उसका जवाब चिकन, दे दें। खाते हो कि नहीं? हाँ जी, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे ये बता दें, तो चेहरा क्यों छुपाते हो यार, तुम कहते हो मैं बाप हूं सबका, चेहरा क्यों छुपाते हो? क्योंकि अल्लाह चेहरा तो छुपाता क्यों है, जिस दिन तुम्हें वो चेहरा दिखाते हैं? दिखाएगा उस दिन अल्लाह मैं ने दिखा कहाँ दूंगा। चेहरा छुपा दिया रे, दुनिया हुसैन बना है के रख अल्लाह का, दिया, अल्लाह सित्तत का है। अय्याम, सित्तत अय्याम, सित्तत अय्याम, क्योंकि अच्छा आमिल नहीं यार थी तू। भाई, हेलो भाई, बात सुने प्लीज, मुद्दे पे हैं। सुन्ना डॉट कॉम के अलावा ये हदीस किधर से देखनी है आपने सुनना पर जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी उसको यार? जुड़े किस हुए हैं, कनेक्टेड वेबसाइट हैं, से देखना चाहते हैं ये हदीस आप? मुझे किसी, मुझे ना सही बताऊं मैं आपको, अगर मानोगे तभी बताऊंगा, बोलूं? बोलो भी बोले। बोलो। जो सियाह सित्ता है, सियाह सित्ता की जो किताबें हैं उनको आप खोलेंगे ना, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा पूरी चले जिंदगी के बेहतर लिए। भाई। इन्होंने कहा है और कि सुनो, सियासत, नो एक मिनट एक मिनट, चुप चुप, अभी साहिल साहब इन्होंने क्या बोला, हाँ सियासत सित्ता की किताबें खोलेंगे ना आप तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा और मैं आपकी एग्जैक्टली बात मान लूंगा। इन्होंने ये रखा है यहाँ पे मुद्दा, ये वाला हाँ, हम गुलाम सब बन ने बिल्कुल सुना, बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि ये मानेंगे और ये गुलाम बन जाएंगे। ले सर, सियासत सित्ता की किताब आपके सामने, ये सियासत सित्ता की किताब है सर, सुनन इब्ने माजा, बुकिश फॉर्म में, उसका स्कैंड पीडीएफ है, और हम यही हदीस इनके सामने अब ये खोल के इनको दिखाते हैं। ये हदीस जनाब 608 नंबर की हदीस है। हम यहाँ पे जाते हैं, इधर आते हैं, और हम देखते हैं कि 608 किधर है। ये 608 यहाँ पे आएगा हमारे पास कहीं पे, और हम इसमें पेज डाउन जाते हैं और 608 नंबर की हदीस देखते हैं किधर है। और ये हमारे पास 607, 608 नंबर की हदीस आ गई। इसको इधर करते हैं, जूम करते हैं इनके पास। ये पीडीएफ की स्कैन है, ये किसी ने लिखी नहीं हुई, एग्जैक्ट सियासत की किताब की स्कैन है। 608 नंबर हदीस, इट वॉज नरेटेड दैट आयशा द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सेड, व्हेन द टू सर्कमसाइज पार्ट्स मीट देन बाथ इज ऑब्लिगेटरी, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई डिड दैट एंड वी बेथ इट। सही अरबी में देख लें, तखरीज असनाद सही तिरमिदी से, बाबे तहारा में, और मुख्तलिफ लोगों ने इसको सही कहा है इब्ने। अब ये इन्होंने कहा था ये मेरे गुलाम बनेंगे, मैंने इनको सियासत की एग्जैक्ट किताब दिखा दी है जनाब। हेलो, अबे इतना डरते हो, मुझे निकाल के बाहर करते हो, अपनी मनवाते हो, मैं क्या आपका तुम्हारा किताब मुझे दिखा दी, नहीं, मेरी तुम, मैंने क्या कहा था, सियाह सित्ता दिखाना, तुमने दिखाया ये क्या है, ये इब्ने माजा सियाह सियासत सित्ता? सित्ता मिला। अरे जानवर, उसमें अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, सियाह सित्ता अरबी होनी चाहिए, उसमें एराब भी नहीं होगा। यार साहिल ये क्या बकवास है साला, कुत्ती का बच्चा। लाइक सियासत की किताब होनी चाहिए अरबिक में होनी चाहिए सिर्फ, और ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, ये क्या क्या बकवास है साले की। अब देखो सियासत की किताब लगा के दिखा दी, अब एहराम भी होने नहीं चाहिए और वह सियासत की किताब होनी चाहिए, और सियासत की किताब दिखा रहा हूँ, सुन अपने माजा किताब दिखा रहा हूँ। देखिए डिसेप्शन, देखिए जब आप अपनी मर्जी के कायदे रखेंगे ना, अपनी मर्जी के, तो वहां पे गेम नहीं बनती, क्योंकि पूरी दुनिया इसी को सियासत मान रही है। अब मैंने सुना डॉट कॉम हटा दिया, पीडीएफ दिखा दिया, उसके बाद ये मसला है। अब मुझे बताएं साहिल, इसके साथ बात करना बनती है किसी भी सूरत में? साहिल आप तो म्यूट यार करो। अगर आप एडम भाई, अगर इसे आप गुलाम बना लेते ना, तो इसे खरीद लेता।
और इसको मैं सेल्फ स्लेव बना लेता, उसके बाद जो जो पहनता वही पहनाता, जो खाता वही खिलाता और रात भर बजाता इसको। देखिए भाई मैंने तो गुलाम बना लिया, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक नाउ ही हैज टू बी अ स्लेव, लेकिन चूंकि इस्लाम में झूठ बोलना अलाउड है, रादर झूठ बोलना एक अच्छी बात है जब वो नॉन मुस्लिम से बात करेंगे, तो लिहाजा वो मानेंगे नहीं, लेकिन इन रियलिटी उसकी अपनी बात पे रहे तो वो इस वक्त मेरा गुलाम है बकॉल हिज ओन वर्ड्स। बल्कि जो जितनी किताबें आती है मोस्टली जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जो लाइब्रेरीज में होती है या फिर जो मार्केट में मिलती है, इनके उलमा के ट्रांसलेशन के साथ उसको सही बुखारी ही माना जाता है। अरे यार यही है तो झूठ बोल रहा है साला, बकवास कर रहा है। असल में कैटेगराइजेशन, अब मैं अरबी की भी ढूंढ के निकाल दूंगा फिर उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर क्या प्रॉब्लम आएगा देखना, अभी क्या प्रॉब्लम आएगा। नहीं इसके अहराब इस तरीके के हैं, नहीं इस तरीके के, अभी उसमें भी मजीद निकाल देगा, पूछ ले मैं अरबी की अभी डाउनलोड करके अभी दिखा दूं इसको, उसके बाद क्या कहेगा। Exactly. पूछे इसे, अब आप पूछे इसे। अच्छा हुसैन भाई आपको सिर्फ अरबी अरबी वाला वर्जन, आप मतलब जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसको वो किताब नहीं मानते, आप ऐसा ये कहना चाह रहे? मेरे देखो एडम ने गलत इंटरप्रिटेशन किया, मैं क्या बोलता हूँ तो अरे यार मेरा सुन लो यार, अपनी अपनी बोल लो आप लोग। सियासत सित्ता जो दारुल उलूम देवबन में, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जो पढ़ाई जाती है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश नहीं होती, आपको पता है और पता होना चाहिए, यू शुड नो वेरी वेल। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वही हदीस चार हूँ सियासत सित्ता में, वही उसमें इंग्लिश नहीं होना चाहिए, उसमें इंग्लिश नहीं होना चाहिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं है साले, यहाँ पे बुनमराने आयो। अबे सन ऑफ बास्टर्ड बच्चे, मोहम्मद इज अ सन ऑफ बास्टर्ड, गेट लॉस्ट साला, हराम का पिल्ला, कुत्ती मां का बच्चा ना हो तो। बकवास, गालियां मुंह पे दिलवा दिया मेरी, इंसान है यार ये, मेरे को लग रहा है कि ये 110% ये दिमागी मरीज इंसान है, और दिमागी मरीज नहीं है भाई, हरामी है, हरामी है, हरामी है। दिमागी मरीज होते हैं ऐसे नहीं होते, ये एक हराम की औलाद है, बगैरत। इसके पास किताब भी नहीं है, दारुल उलूम में पढ़ाया जाता है जो हम पढ़ते हैं, तो यार दिखा दो, मेरे पास नहीं है कुछ, यानी मेरा मतलब हद होती है यार। यार कोई इंसान का बच्चा यार किसी से प्यार से बात करें यार, ऐसी बिला वजह मुंह पे चार गालियां निकलवा दी मैम, आ गई सैटरडे से गालियों से पाक था फिर भी इसने गालियां निकलवा दी तोड़ दिया पूरा, हद होती है यार बगैरती की। अभिजीत वशिष्ठा आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया, शिव दुर्वे साहब कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी नए मेंबर बने बहुत बहुत शुक्रिया, देव जी कह रहे हैं मेरे तरफ से ₹5 फेविस्टिक खरीदने के लिए, अपनी होठ पे लगा ले मोमिन, तू मुंह खोलेगा और किसी और जगह से फट जाएगा। यार नॉन मोमिन अक्षय सुतार सिंह जी आप लोग क्यों जुड़ रहे हैं भाई, क्यों जुड़ रहे हैं आप लोग मोमिनों के लिए स्ट्रीम। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल कितना खांसते हो, एडम एंड मी बोला ना ब्रांडी ले लो, या अभी लूंगा यार ब्रांडी लेता हूं मैं। हराम है, हराम, हराम, हराम। नहीं वो एज ए दवा लूंगा ना मैं तो, हराम नहीं कहलाएगी वो। अच्छा ओके। अर्जुन चौठानी कह रहे हैं एडम भाई आपने इतना सारा कब लिख लिया है, क्या ओ, पता नहीं क्या, अच्छा वो मे बी sunna.com के बारे में बोल रहा होगा। अच्छा। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं सुन्ना साइट का पब्लिशर साहिल, वाह वाह भाई, राइटर राइटर कौन है। जिब्राइल पोस्टमैन ऑफ अल्लाह कह रहे कोई और आयशा के साथ डिंगी डिंगी ना करे इसलिए, और वही रीजन था रसूलुल्लाह ने उनको सारो सारी उम्मत की माँ बना दी थी ताकि वो रसूलुल्लाह के बाद हजरत आयशा की शादी ना हो। रैप्टर जेट आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन भाई कह रहे ये पाउडर बाद छपरी खुद की नजर का दादा है जिनका पुलिस वाले हर हफ्ते चौराहे पे लठ दे दे के जुलूस निकालते हैं वो जो आया था प्लीज कंटिन्यू सर। एडम अबू जी, साहिल चाचू जी, हलाल WWF में खुशामदीद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू सर। कूड़े वाला बुड्ढा आज एक्टिव हुए हैं, कह रहे साहिल भाई राम राम, राम राम आपको भी। योगी जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जिब्रेल नाफ के बाल नोच साले इस्लाम जिंदाबाद। रैप्टर जेट ये कौन सा जलवा है, लोग पीछे है। रैप्टर जेट भाई का और एक सुपर चैट है, कह रहे दिस गाय स्टार्टेड विद द वर्ड डिप्लीटिंग देन एक्सेप्टेड प्लकिंग, कहां से आते हैं ये शुतुरमुर्ग, और उसके बाद उसको फीमेल सर्कमसीजन पे बात भी नहीं करना था क्योंकि ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज रिलीजन।
एब्सोल्युटली. और जितने लोग अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं और आपकी आने की हिम्मत नहीं है और फीमेल सर्कमसीजन पे ये एक जो गंदी प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है, इनह्यूमेन है, ये जो औरतों के हुकूक को मानने वाली चीज है, आप उसके बदन के साथ, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर आप आके उसको सही साबित नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर अशेम्ड ऑफ योर रिलीजन एंड योर प्रॉफिट. ऐसा नहीं है तो आइए और बताइए कि क्यों आप इसको सही मानते हैं, या ये बताइए कि नहीं आप लोग गलत बता रहे हैं, इस्लाम में फीमेल सर्कमसीजन है ही नहीं, इस पे बात कर ले. आयुष अग्रवाल कह रहे हैं डेयर टू टेक मी, जैसे लोग ड्रग्स लेके आते, दैट्स व्हाई देयर एंजाइटी एंड ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑलवेज शूट अप, पुअर मोमो फॉलोअर्स. यार उससे ज्यादा तो ये हुसैन का बीपी शूट हुआ था. अभिषेक परिहारी कह रहे हैं साहिल भाई एडम भाई ये गवाह नहीं सुधेंगे भाई, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, थैंक यू सो मच. अच्छा आप देखिए गाइस, जो 4600 लोग देख रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कितने लोगों को रिक्वेस्ट किया, वो जो डेयर टू स्पीक है उनसे भी रिक्वेस्ट किया हमने कि भाई मेहरबानी करो, हम आपसे अच्छे से बात करने के लिए रेडी है, प्लीज जरा आराम से सुकून से बात करो, वो भी नहीं माना. उसके बाद ये हुसैन अरब 14 जो आया था, इसको भी कितने बार रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज अच्छे से बात करो, वो भी नहीं माना. उसके बाद वो इस्लाम जिंदा रहेगा प्रिंस अली छपड़ी, उसको भी रिक्वेस्ट किया कि भाई तेरे से रिक्वेस्ट करते हाथ जोड़ के अच्छे से बात कर ले, नहीं है ही नहीं किसी की हिम्मत, क्या बात करेंगे, क्या डिफेंड करेंगे, फीमेल सर्कमसीजन को डिफेंड करेंगे? आधे से ज्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि फीमेल सर्कमसीजन इस्लाम का पार्ट है. लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तो अभी तो कम से कम बोलो कि आपके रसूलुल्लाह जो है ये एक, यार सुमित चौधरी नया खान नाम रख के आओगे तो हम आपको क्या पागल बन जाएंगे, सुमित चौधरी पागल इंसान. अभिजीत वशिष्ठा कह रहे हैं शंकराचार्य डिफीटेड एमनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन डिबेट्स एंड बुद्धिज्म वाज वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडिया, सेम इज हैपनिंग नाउ, ग्रेट वर्क गाइस, मोर पावर टू यू, थैंक यू सो मच अभिजीत आपके कंट्रीब्यूशन के लिए. रैप्टर जेट कह रहे भाई ये माल फूंक के आया है, ये सारे माल फूंक के आ रहे हैं भाई, ये कौन है, ब्रेव मुस्लिम एक आया है, ओके ब्रेव मुस्लिम साहब. ब्रेव मुस्लिम साहब आवाज आ रही है आपको? ब्रेव मुस्लिम साहब कुछ बोलिएगा. हमारे छोटे फैजू भी है रोस्टर के कमेंट सेक्शन में एक्टिव है जी. ब्रेव मुस्लिम साहब अरे ब्रेव मुस्लिम साहब कुछ बोलोगे? अरे वाह मोमिन की जलेबियां भाई भी बड़े जमाने बाद आए. कह रहे हैं साहिल भाई आप या एडम के चैनल पर कोई भी मोमिन आकर डिबेट जीत जाए उसको 21 लाख का इनाम, कोई भी टॉपिक, क्या बात है. मोमिन की जलेबियां भाई की तरफ से 21 लाख का इनाम. और मोमिन की जलेबियां भाई जो है मैं खुद लेता हूं कि आप अगर वाकई में जीत जाते हैं तो आपको 21 लाख आपके मिल जाएंगे. साहिल भाई मैं ना मोमिन बन के आ रहा हूँ, हार जाना डिबेट तो आधे 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 बांट लेंगे कसम से भाई. क्या बोलते हो? नहीं वो मोमिन के जलेबिया भाई तो फिर ऐसी है, 21 लाख में से आधा तुमको आधा मेरे को दे देंगे, वो टेंशन नहीं है. ओ बाप रे बाप. अच्छा वैसे जो भी इससे पहले बंदा आया था मैं उसके लिए बकायदा यार जा रहा था हर चीज डबल डबल लाने, अपने लिए कपड़े लाता डबल लाता है उसके लिए, अपने लिए जो खाता वही खिलाता, जो पहनता वही पहनाता, जो खाता वही खिलाता. हाँ लेकिन तो साला सारा प्लान कैंसिल हो गया. अरे वेबसाइट क्या नाम है वो खोल के बंद कर दिया, वो कपड़े वपड़े बुक कर रहा था मैं, खाने वाने डबल डबल सब कुछ बंद कर दिया मैंने यार, हटाओ मेरे घर चला गया बंदा. ओ बाप ले बाप. सोनू भाई कह रहे हैं साहिल भैया कुरान में गाली देना मना है, ये लोग जहन्नुम में जाएगा.
कुरान खुद गाली देता है हरामी बोल के, कहां मना किया कुरान ने? कुरान खुद गाली देता है, हरामी का वर्ड यूज करता है कुरान। और इस बात को हमारे क्या नाम है मुफ्ती बमदर साहब ने कंफर्म भी किया है। ऐसे साहब कह रहे मोमिन कपिल का शो बंद कर करा के मानेंगे, लेकिन बहुत कॉमेडी था वो, सबसे भारी कॉमेडी वो इस्लाम जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा, ये जो है ये सबसे कॉमेडी पार्ट था आज का। कोड ब्रेकर चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किरिट कोहली जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। सोनू भाई कह रहे हैं साहिल भैया, अच्छा ये हमने ले लिया था। इंडियन कह रहे हैं पीर कादरी का चेला ज्ञान झाट का नी अकड़ जमाने की। श्री साहब आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। रैप्टर जेट साहब कह रहे हैं रसूलुल्लाह के टाइम पे वैक्सीन होती थी क्या? नहीं होती थी ना, नोचते थे रसूलुल्लाह। लेकिन आप देखिए कि नीचे के बाल के बारे में शेविंग का वर्ड आया है उधर, जो जिसने भी ट्रांसलेट किया है उसने नीचे के बाल के लिए शेविंग का वर्ड यूज किया है, लेकिन बगल के बाल के लिए नोचने का वर्ड यूज किया है। अब ये क्या फैंटेसी थी नोच नोच के निकालने की, क्या मतलब रहती है ना बहुत से लोगों की, उखाड़ने की नोचने की फैंटेसी रहती है, किधर के भी बाल वो उखाड़ते हैं या निकालते हैं, तो वैसा कुछ फैंटेसी थी वो बगल के बाल, लेकिन कौन नोचता यार? पता नहीं भाई, बड़े बड़े बहादुर लोग रहे होंगे भाई। और आज से मोमिन हजरात जितने भी है वो बगल के बाल शेव नहीं करेंगे, वो नोच नोच के निकालेंगे। अब चाहे कैसे भी वैक्स करके नोचो या हाथों से नोचो या दांतों से नोचो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर वाकई में तुम्हारे को रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह को अपना बेहतरीन नमूना अगर मानते हो, तो आज ही ये कसम खा लो कि अब से बगल के बाल हम शेव नहीं करेंगे बल्कि नोच के निकालेंगे। हाँ, जितने भी मोमिन हजरात है मोमिना है सब बगल का फोड़ा करके लेंगे। वो बाल तोड़ बोलते गालिब भाई, सुने हो नहीं सुने हो, बाल तोड़ हो जाता है जी जी, पैरों में या बगल में किधर बाल तोड़ हो जाता है ना, वो फोड़ा बन जाता है वो। ये तो भैया, ये तो मेरे ख्याल से हर 5-10 दिन पे पुष्पा बने नजर आएंगे। मैं झुकेगा नहीं साला, बलि टेढ़ा होके चलेगा, बाल नोचेगा अपुन। और दोस्तों आपके जितने लोग भी जितने भी मोमिन दोस्त लोग हैं उन सबको बोलिएगा भाई, उनसे पूछिएगा भाई आप जैसे अभी अब हमारी जो फीमेल व्यूअर्स है उनकी मोमिनाएं अगर दोस्त है तो उनसे पूछेगा भाई बहन ये आप बगल के बाल जो है ये शेव करती है या नोच के निकालती है, तो बोलेगी नहीं मैं तो शेव करती हूँ, तो बोलेगा नहीं आज से शेव नहीं करना है आपके, रसूलुल्लाह ने कहा है कि बगल के बाल नोच के निकालना है आपको। तो और जितने जो मोमिन दोस्त दोस्त थे आप लोग के, हाँ कलीब भाई, हाँ ये वाली हदीस जरा मुझे दे देना साहिल भाई, तुम मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर देना इसको। तुम अभी मतलब लोगों के बगल के बाल निकलवाओगे अभी नुचवाओगे? मैं कली कहीं के बाल नुचवा लूंगा या फिर सर के बाल नुचेंगे वो टेंशन में आके। बाप रे बाप, वो मोमिन अभी तक आया नहीं है, वो हदीस लेने गया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अभी तक आया नहीं है मोमिन। शरद चौधरी जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू शर्मा कह रहे साहिल तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप क्या बता बाता करता, तुम मूर्ति दे, तू मूर्ति दे, चुप कर। आवाज नहीं आ रही है अमित, बोलो एक मोमिन जुड़े अपने साथ में, हमजा खान साहब। अरे वो हमजा खान साहब को सूरह फातिहा भी नहीं आता, वो क्या बात करेंगे उनसे। अरे